हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग? तो आज लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट होने वाला है सिग्नल एंड सिस्टम का। और आप लोगों को पता है कि सिग्नल एंड सिस्टम का जब लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक हमने बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स कंप्लीट किया, और लेक्चर नंबर 9 से लेके आज जो लेक्चर नंबर 12 चल रहा है, इसके बाद लेक्चर नंबर 13 आएगा, यहाँ पे आपका पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 5 लेक्चर के अंदर आपका पूरा एक सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है और सिग्नल आपका सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जिन बच्चों ने शुरू से देखे होंगे मेरे वीडियो, तो आपको कंटिन्यू हर चीज समझ में आ रही होगी कि कहां पे मैं क्या बोलना चाहता हूं। ओके, और मेरे को पता है कि कौन सी चीज मेरे को कहां पे बताना चाहिए, और वो चीजें मैं वहीं पे सिस्टमैटिक ढंग से आपको बता रहा हूं। ओके, जो बच्चे आज मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप 1 लेक्चर से स्टार्ट करो, क्योंकि आज पहला लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप देखो कि जब 9 लेक्चर हमने सिस्टम का स्टार्ट किया था, तो वहां पे हमने क्या बात की थी कि सिस्टम क्या होता है, एक LTI सिस्टम क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस बताया था कि एक नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, एक LTI सिस्टम क्या होता है, एंड कन्वोल्यूशन के बारे में बात किया था वहां पे। और जो 10 लेक्चर था, वहां पे हमने क्या बात किया था कि यहां पे लीनियर सिस्टम क्या होता है, नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है। और उसके बाद 11 लेक्चर था, वहां पे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात की थी। तो आप लोगों को अच्छे भी लगे होंगे, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी लिए थे। और जो आज हम बात करने वाले हैं वो स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, एंड उसके बाद कोजल एंड नॉन कोजल सिस्टम, एंड जो 13 वाला लेक्चर होगा वहां पे बात करेंगे हम स्टेबिलिटी की। मतलब यहां 13 लेक्चर में आपका एक सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका एक तो लैपलास ट्रांसफर, एक होगा आपके पास फोरियर ट्रांसफर, एक होगा फोरियर सीरीज, एक जेट ट्रांसफर, एक आपका सैंपलिंग थ्योरम। इसमें आपका सिग्नल एंड सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपको सारे के सारे लेक्चर अच्छे लगे होंगे, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर जो बच्चे शुरू से जुड़े होंगे और अभी तक देख रहे होंगे, तो आपको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे, और आपको सिग्नल एंड सिस्टम भी आपको सीधा सा लग रहा होगा कि कितना सिंपल सब्जेक्ट है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे को अगर कुछ भी अपडेट देना होगा तो हम टेलीग्राम चैनल पे ही देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, एग्जाम रिलेटेड डाउट है या क्वेश्चन में डाउट है, तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जब भी हमारी फैकल्टी उसको सीन करेगी आपको रिप्लाई जरूर करेगी। ओके, तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। सबसे पहले समझ लो कि स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो आप देखो कि आपके पास हमने बात किया था कि यहां पे एक सिस्टम था जिसको हमने ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था, ये सिस्टम था। अब ये LTI सिस्टम भी हो सकता है, नॉर्मल सिस्टम भी हो सकता है। ओके, और जब हम यहां से ये सिग्नल इसमें से पास कर रहे थे, तो हमारे पास ये रेस्पॉन्स हमारे को मिल रहा था। ओके, अब ये एनी टाइप ऑफ सिस्टम हो सकता है, एनी टाइप ऑफ सिस्टम। ओके, LTI भी हो सकता है, नॉर्मल सिस्टम भी हो सकता है। ओके, तो इतना हमने बात किया था कि यहां पर एक सिग्नल था और वहां पर आपके पास रेस्पॉन्स था, सिग्नल था और यहां पे आपके पास रेस्पॉन्स था। ओके, रेस्पॉन्स था। अब देखो कि यहां पे जो स्टैटिक है एंड डायनेमिक सिस्टम क्या होता है। देखो हेडिंग डाल लो आप, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। शुरू के 20 मिनट आपको ध्यान देना है, अगर शुरू के 20 मिनट में आपको समझ में आ गया ना, तो सारे के सारे क्वेश्चंस बना लोगे। अगर शुरू के 20 मिनट आपने ध्यान नहीं दिया और आपको समझ में नहीं आया, तो बाकी के क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएंगे। तो शुरू के 20 मिनट आपको ध्यान से सुनना है कि मैं बोर्ड पे क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। ओके, उसके बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन बना लोगे, कोई सी भी आप बुक उठा सकते हो, सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। ओके, तो देखो स्टैटिक भी बोल सकते हो, स्टैटिक सिस्टम, या इसे क्या बोल सकते हो, मेमोरी लेस सिस्टम। अब देखो कि जो आपके पास, जो इसका डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि जो आपके पास स्टैटिक सिस्टम होता है वो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप बोल सकते हो एनी डिपेंड ऑन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर CTS सिग्नल की बात करेंगे तो वहां पे टाइम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, T। और अगर आप DTS की बात करोगे वहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, N। ओके, ध्यान से सुना, सिर्फ T की बात कर रहा हूं और N की बात कर रहा हूं। ओके, पूरे सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस T की बात कर रहा हूं और इस T की बात कर रहा हूं।
ये चीज ध्यान से सुनो। ओके, अब देखो कि स्टैटिक सिस्टम क्या किसे बोलते हो। स्टैटिक सिस्टम वो होता है जो टी की प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। अभी प्रेजेंट है ना, आगे फ्यूचर है, उससे पहले पास्ट है, तो टी की प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो स्टैटिक सिस्टम ओनली इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, स्टैटिक सिस्टम डिपेंड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, टाइम की प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, उससे ही आप स्टैटिक सिस्टम बोलते हो या मेमोरी लेस सिस्टम बोल सकते हो। ओके, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल आप पढ़ रहे हो, तो मेमोरी लेस सिस्टम क्या होता है? रजिस्टर। ओके, रजिस्टर क्या होता है? स्टैटिक। तो रजिस्टर को क्या बोल सकते हो? फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर। रजिस्टर क्या हो गया आपके पास? मेमोरी लेस होता है, तो यह क्या हो जाता है आपके पास? स्टैटिक सिस्टम। ओके, तो आपको समझ में आया कि जो स्टैटिक सिस्टम होता है वो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट वैल्यू किसकी? टी की। ओके, ओनली टी की, पूरे में सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली इस टी की बात कर रहा हूं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बोल दिया वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ओके, अब देखो कि अगर इस टी की वैल्यू में जीरो पर पुट करता हूं, तो आपके पास आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आएगा? वाई ऑफ जीरो। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो आपके पास y की वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, अब देखो ये कौन सी वैल्यू है? इस टाइम की बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट वैल्यू है। ओके, क्या इस वैल्यू पे आपके पास जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स का जो t है वो सेम ही आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। यहां पे 1 था, तो यहां पे भी क्या आया आपके पास? 1 ही आया। इस t को जरूर देखना है, ओनली इस t को ही देखना है। यहां पे 1 था, तो यहां पे भी आपके पास 1 ही आया, तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू है। तो आप बोल दोगे दिस इज अ स्टैटिक सिस्टम। इतना समझ में आया? स्टैटिक सिस्टम। ओके, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, बात करता हूं डायनेमिक सिस्टम की। ओनली प्रेजेंट वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। ओके, अब देखो सेकंड हेडिंग डालो आप, डायनेमिक सिस्टम का दूसरा नाम है मेमोरी। अब मेमोरी क्या होता है आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिकल में कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। ओके, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिपेंड ऑन एक तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू, एक आपके पास पास्ट वैल्यू। ओके, अगर फ्यूचर एंड पास्ट वैल्यू आपको दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? डायनेमिक सिस्टम। या अगर आपके पास सिस्टम आपका स्टैटिक नहीं हुआ तो बचा क्या? डायनेमिक सिस्टम। तो आपके पास जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा? डायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। तो समझ में आया? अगर मैं बात करूं यहां पर फॉर एग्जाम्पल, ओके, जैसे कि आपके पास y of t equals to x of t square। ओके, अब t का वैल्यू पुट करो आप यहां पे, t का वैल्यू जीरो पुट करो तो जीरो आपके पास यहां पे क्या आया? x of जीरो। ओके, तो मतलब ये भी प्रेजेंट वैल्यू, ये भी प्रेजेंट वैल्यू, तो आप बोलोगे दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। अभी तक तो आप स्टैटिक बता सकते थे। अब t का वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है, यहां पे स्क्वायर में 2 पुट कर देता हूं, कुछ भी पुट करो अपने हिसाब से, कुछ भी पुट कर सकते हो। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा? y of। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? 4। अब देखो कि यहां पे 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, आप बोलोगे कि 4 आगे आता है। जब आप इसको प्लॉट करोगे एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे 2 होगा और यहां पे 4 होगा, मतलब ये तो आपके पास फ्यूचर है ना, और इधर आपके पास क्या है? पास्ट। और यहां पे क्या है आपके पास? प्रेजेंट, जहां पे आप अभी बात कर रहे हो प्रेजेंट, थोड़ी देर बाद फ्यूचर, उससे पहले पास्ट। ओके, अब देखो आप बताओ कि 4 फ्यूचर है या 2 फ्यूचर है? आप बोलोगे कि सर 4 तो आगे है ना, आगे तो आगे आने वाला समय कौन सा होता है? फ्यूचर होता है। टाइम, जो टाइम चल रहा है उसमें जो आगे टाइम आएगा वो कौन सा है? फ्यूचर। तो फ्यूचर है तो आप बोलोगे डिपेंड ऑन फ्यूचर। तो आप बताओ कि ये सिस्टम कैसा हुआ? डायनेमिक। मैं पूरे सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं,
समझने के लिए ध्यान से सुनना कि ओनली मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं, और ये टाइम अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्टैटिक एंड डायनेमिक के क्वेश्चंस सोल्व कर लोगे। ओके, तो ये एग्जांपल आप सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो कि जो आपके पास डायनेमिक सिस्टम होता है इसको क्या बोलते हो, मेमोरी। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो सर कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। ओके, एनर्जी स्टोर करते हैं ना अपने पास। तो देखो कि ये स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखो कि इसके अंदर मैं कंडीशन बताता हूं आपको, कंडीशन आपको क्या ध्यान रखना है। देखो ये कंडीशन हमेशा ध्यान से सुन लेना, ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो कि ये कंडीशंस, सबसे पहले आप टी इक्वल टू जीरो पुट करो, जो भी आपके पास टर्म हो टी इक्वल टू जीरो, अगर मैक्सिमम पुट करो इससे फिर मैक्सिमम पुट करो, वन पुट करो, मिनिमम पुट करो, आप वन की जगह टू भी पुट कर सकते हो, थ्री भी पुट कर सकते हो, फाइव भी पुट कर सकते हो, हंड्रेड भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसा आपके पास सिस्टम दिया होगा उसके हिसाब से आपको पुट करना है। ओके, टी का वैल्यू आपको ज्यादा पुट करना है, एक जितना आपने ज्यादा पुट किया उतना ही आपको कम पुट करना है। ओके, ये तो हो गया। इसके अलावा और भी कंडीशन आपको क्या लिखना है, एक आपको जैसे कि यहां पे आपने वन पुट किया तो एक बार वन बाई टू आप भी पुट करके देखो, एक बार टी माइनस वन बाई टू आप भी आप पुट करके देखो। ये फाइव कंडीशन आपको अप्लाई करना है, ये फाइव कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि सिस्टम आपका डायनेमिक होगा या स्टेटिक होगा। ओके, या तो स्टेटिक होगा या डायनेमिक होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फाइव कंडीशन आपको बताना है और फाइव कंडीशन आपको लगाना है। अगर आपने फाइव कंडीशन नहीं लगाया, ओनली थ्री कंडीशन, आपने थ्री कंडीशन लगा के ही देख लिया तो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। अगर सही भी आ गया तो वो आपका एक प्रॉपर तरीके से आपका सही आंसर नहीं है। ओके, तो आपको पूरा फाइव कंडीशन आपको अप्लाई कराना है। ओके, देखो अब मैंने यहां पर एग्जाम्पल ले रखे हैं, यहां पर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो कि आपके पास क्या है, वायोप्टी, वायोप्टी इक्वल्स टू कितना है, एक्सोप्टी प्लस म्यूओप्टी माइनस थ्री। ओके, अब देखो वायोप्टी जो आपके पास रेस्पॉन्स है, इनपुट सिग्नल कौन सा है आपके पास, ये है। ओके, दिस इज इनपुट सिग्नल, ये आपके पास आउटपुट है। मेरे भाई बताओ ये कहां से आया, ये सिस्टम ने उसको कन्वर्ट किया। ओके, ये सिस्टम का काम है, तो हमारे को इसको तो देखना ही नहीं है, यू ऑफ टी माइनस थ्री को। ओके, क्योंकि यू है ये सिस्टम ने रिप्रेजेंट किया है, तो इसके थ्रू आप नहीं बता सकते हो कि स्टैटिक है या डायनेमिक है, तो इसको आपको चेक नहीं करना है। ओके, अब देखो कि यहां पे आप जब इसको सोल्व करोगे तो आप सबसे पहले टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपके पास वाई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो, ओके, प्लस यू ऑफ माइनस ऑफ थ्री। सिर्फ इनपुट सिग्नल को आपको देखना है। ओके, ये सिस्टम के कारण उधर कन्वर्ट हुआ यू ऑफ टी माइनस थ्री के अंदर, ये सिस्टम का काम है, तो इसको आपको देखना नहीं है, ओनली इसको आपको देखना है। अब देखो कि ये आपके पास जीरो क्या है, जीरो यहां पे है और जीरो यहां पे है, तो मतलब आप बोल सकते हो दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अब देखो आप इससे भी देखने चले जाते हैं ना तो ये क्या हो जाता, पास्ट वाली वैल्यू हो जाती और आप इसको डायनेमिक बता देते और आपका आंसर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट हुआ है यहां पे सिस्टम के कारण हुआ है, तो आप इसको देखना मत, इसको देखना मत, आपको सिर्फ इनपुट सिग्नल को देखना है और आउटपुट रेस्पॉन्स को देखना है। ओके, अब मैक्सिमम वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकता हूं, अगर वन पुट करके देखता हूं टी की जगह पर, वन पुट करके देखता हूं यहां पर, तो आपके पास क्या आता है, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ वन प्लस यू ऑफ माइनस टू। ओके, ये भी वन था, इनपुट सिग्नल में भी टी आपके पास वन था और यहां पे भी वन है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अगर मैं कम वैल्यू पुट करके देखू तो माइनस वन, तो आपके पास एक्स ऑफ माइनस वन प्लस यू ऑफ माइनस फोर। ओके, तो ये भी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, ओनली इस टी को, इसके अंदर वाली टर्म को आपको देखना है। ओके, सेकेंड कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन आप क्या लगा के देखोगे, एक्स ऑफ वन बाई टू पुट करके देख लो तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी वाई ऑफ, तो यहां पे भी क्या आएगा, एक्स ऑफ वन बाई टू, और यहां पे जो भी आए कोई दिक्कत नहीं। ओके, सिर्फ इनपुट सिग्नल को देखना है, और यहां पे वाई ऑफ माइनस वन बाई टू पुट किया तो एक्स ऑफ माइनस वन बाई टू,
मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहां पे जो था वही यहां पे टाइम आया, यहां पे जो टाइम था वही यहां पे टाइम आया, यहां पे जो टाइम था ये क्या होगा आपके पास वाई, ओके, यहां पे जो टाइम था वही यहां पे टाइम आया, यहां पे जो टाइम था वही यहां पे टाइम आया, तो मतलब ये सब के सब प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे। अगर प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं तो सिस्टम कैसा हो गया आपके पास? स्टैटिक, स्टैटिक, या आप इसे क्या बोल सकते हो? मेमोरी लेस, मेमोरी लेस। समझ में आया कि प्रेजेंट वैल्यू, पास्ट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू आपको कैसे देखना है? अब देखो इसका हो गया स्टैटिक। सेकंड एग्जांपल देखो, वहां पे सेकंड एग्जांपल देखो, आप सोल्व करो, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या है, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी यू ऑफ टी माइनस टू टी प्लस टू, ओके okay? अब देखो ये तो आपके पास इनपुट सिग्नल था, ये तो आपके पास इनपुट सिग्नल था ये, और ये आपके पास आउटपुट रेस्पॉन्स था। इसको आपको देखना ही नहीं है, ये जो भी आया ये सिस्टम के कारण आया, यू ऑफ टी प्लस टू। अगर यहां पे एक्स होता तो मतलब वो इनपुट सिग्नल का ही काम करता, लेकिन यू ऑफ टी प्लस टी आया, ये सिस्टम के कारण आया है, तो इसको आपको देखना नहीं है, ओके okay? तो देखो कि अगर आप टी का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो, इसको देखना ही नहीं है, ओके okay? अब देखो वहां पे कुछ भी आए उसको देखना ही नहीं है आपको। अब देखो वाई ऑफ वन पुट किया तो आप बोलोगे कि एक्स ऑफ वन, ओके, अगर वाई ऑफ माइनस वन पुट किया तो एक्स ऑफ माइनस वन, मतलब दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये जीरो वैल्यू थी, यहां पे भी जीरो मिला, तो टी का वैल्यू आपको देखना है, तो टी आपके पास जीरो था तो यहां पे भी जीरो ही था, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे प्रेजेंट वैल्यू ही मिल रही है टाइम की, ओके, यहां पे भी टी आपके पास टी का वैल्यू वन था, यहां पे भी वन है, तो टी के प्रेजेंट वैल्यू पे ये भी प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये भी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ओके। अब देखो अगर आप वन बाई टू पुट करोगे तो भी आपके पास एक्स वन बाई टू आ रहा था, ओके, तो ये भी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू पे आ रहा है, ओके, एंड आपके पास माइनस वन बाई टू पुट करोगे टी की जगह पे तो भी आपको पास एक्स वन बाई टू माइनस वन बाई टू आ रहा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये सिस्टम क्या हो गया आपके पास? आप बोलोगे दिस सिस्टम इज स्टैटिक, स्टैटिक या मेमोरी लेस, सिंपल है ना, मेमोरी लेस। समझ में आया सभी लोगों को? रफ कर दो इसको, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, दूसरा ये भी आपके पास, फर्स्ट वाला भी स्टैटिक, दूसरा भी आपके पास स्टैटिक, ओके, तो लिखते जाओ वहां पे कि ये भी आपके पास क्या हुआ, ये भी क्या हुआ आपके पास स्टैटिक, ओके, ये भी क्या हुआ आपके पास स्टैटिक, ओके। थर्ड वाला एग्जांपल देख लो, थर्ड वाला एग्जांपल क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी माइनस थ्री, ओके। अब देखो यहां पर टी का वैल्यू पुट करो तो जीरो पुट कर लो, मिनिमम जीरो पुट किया तो आपके पास एक्स ऑफ जीरो माइनस थ्री, मतलब माइनस थ्री, ओके, माइनस थ्री। अब देखो कि आप जब प्लॉट करोगे इसको तो माइनस थ्री यहां पर होगा, जीरो यहां पर होगा, ओके, तो मतलब ये क्या है आपके पास, ये पीछे है ना, मतलब ये तो पास्ट वैल्यू है, ओके, ये प्रेजेंट वैल्यू है, और ये इधर होगी जो भी फ्यूचर वैल्यू होगी, ओके। अब देखो ये आपके पास, इसके लिए यहां पे आपके पास रेस्पॉन्स का जो टाइम है वो जीरो है, यहां पे कितना है, माइनस ऑफ थ्री है, तो माइनस ऑफ थ्री बड़ा है या छोटा है जीरो से? आप बोलोगे कि सर माइनस ऑफ थ्री तो जीरो से छोटा है, छोटा है तो माइनस ऑफ थ्री क्या है, पास्ट वैल्यू। समझ में आया, माइनस थ्री क्या है, पास्ट वैल्यू, ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है आपके पास ये टी, ओके okay, तो आपको यहीं से समझ में आ गया कि ये सिस्टम आपका डायनेमिक होगा, आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, और भी चेक कर लो आप, वाई ऑफ अगर वन पुट करता तो आपके पास कितना था, एक्स ऑफ माइनस ऑफ टू, ओके। अब देखो ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है, तो ये क्या है आपके पास, ये पास्ट वैल्यू है ना, ये पास्ट वैल्यू है, तो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। देखो अगर वाई ऑफ माइनस वन पुट करता तो माइनस वन पुट करता तो आपके पास आता एक्स ऑफ माइनस ऑफ फोर, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप बोलोगे ये बड़ा है, तो आपके पास हो जाएगा पास्ट वैल्यू। एक और चेक कर लेते आप, एक और चेक कर लेते आप, टी इक्वल टू वन बाई टू पुट कर लेते, ओके, टी इक्वल टू माइनस वन बाई टू पुट किया तो वाई ऑफ वन बाई टू, ओके, तो कितना आ जाता है, एक्स ऑफ वन बाई टू माइनस थ्री,
ओके, तो आप बोलोगे सर एक्स ऑफ जो भी टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस फाइव बाई टू। तो आप बोलोगे कि ये भी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर मैं वाई ऑफ माइनस वन बाई टू पुट करता, माइनस वन बाई टू पुट करता, तो आप बोलोगे कि यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास एक्स ऑफ माइनस वन बाई टू माइनस थ्री, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास एक्स ऑफ माइनस सेवन बाई टू। ओके, माइनस सेवन बाई टू पुट करो यहां पे ये एक्सिस। ओके, माइनस सेवन बाई टू का मतलब कितना है, माइनस थ्री पॉइंट फाइव। ओके, माइनस वन बाई टू का मतलब क्या है, जीरो पॉइंट फाइव। ओके, तो मतलब यहां पे जीरो पॉइंट फाइव। ओके, तो आप ये बताओ माइनस जीरो पॉइंट फाइव, अब ये बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप बोलोगे सर जीरो पॉइंट फाइव बड़ा है। ओके, क्योंकि माइनस जीरो पॉइंट फाइव बड़ा है ना, क्योंकि इधर आप पॉजिटिव एक्सिस की ओर जाते हो तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव आपके पास बड़ा है। तो ये क्या है आपके पास, पास्ट वैल्यू। ओके, तो मतलब ये आपके पास क्या है, पास्ट वैल्यू। तो पास्ट वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर पास्ट या फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करता हुआ दिखे तो आप बोल दोगे कि सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, डायनेमिक हो जाएगा। तो ये सिस्टम भी क्या हो जाएगा आपके पास, डायनेमिक, डायनेमिक। ओके, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, डायनेमिक, डायनेमिक, डायनेमिक भी बोल सकते हो या मेमोरी। ओके, तो इसको रफ कर दे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप बना लो, अब आपसे बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास वाई ऑफ टी, बस टी का वैल्यू ही आपको चेक करना है, टू टी। ओके, अब देखो कि यहां पे आप टी का वैल्यू जीरो पुट करो, मिनिमम जीरो पुट किया तो आपके पास कितना आया, एक्स ऑफ जीरो। यह भी प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड किया। ओके, अगर मैं टू पुट करूं तो, टू पुट किया तो आपके पास एक्स ऑफ फोर, फोर आया ना टू इंटू टू। अब देखो फोर बड़ा है या टू बड़ा है, तो ये देखना है आपको। तो आप बोलोगे सर फोर बड़ा है। ओके, मतलब देखो ना यार, ये टू बड़ा है और ये फोर, तो फोर बड़ा है ना आपके पास टू से, तो आपके पास जो रेस्पॉन्स का जो टाइम है वो कम है टी के फोर की वैल्यू से। ओके, तो मतलब किस पे डिपेंड किया, फ्यूचर की वैल्यू पे। अब यहीं से आपको पता चल गया, आगे की तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आपको फाइव कंडीशन ही आपको सेटिस्फाइड कराना है। ओके, अगर उनमें से एक भी आपको फ्यूचर एंड पास्ट वाला टर्म दिखता है तो आपके पास सिस्टम क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। ओके, तो ये फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं वाई ऑफ माइनस टू पुट करूं, माइनस टू पुट करूं, तो आप बोलोगे कि एक्स ऑफ माइनस फोर। ओके, अब देखो इसको रिप्रेजेंट करो, माइनस फोर माइनस टू, ये क्या है आपके पास, पास्ट, ये फ्यूचर, तो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। पास्ट में भी किया, प्रेजेंट में भी किया, फ्यूचर में भी किया। अगर आपको प्रेजेंट को छोड़ के आपको फ्यूचर या पास्ट का कुछ भी टर्म दिख जाता है तो वो क्या हो जाता है आपके पास, डायनेमिक हो जाता है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, डायनेमिक, डायनेमिक या मेमोरी, मेमोरी सिस्टम। ओके, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, डायनेमिक। समझ में आया, समझ में आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई ऑफ एन इक्वल्स टू कितना है, एक्स ऑफ एन माइनस टू प्लस एक्स ऑफ एन। ओके, अब देखो यहां पे n है, यहां पे जो टाइम का काम कर रहा है वो n है, क्योंकि डीटीएस सिग्नल है ना, तो डीटीएस सिग्नल में आप जो टाइम होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हो, कोई दिक्कत नहीं, n का वैल्यू पुट कर दो, जीरो वन माइनस टू जो भी वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो, बट पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू आपको पुट करना, फाइव कंडीशन आपको सेटिस्फाइड कराना है। ओके, अब देखो अगर मैं जीरो पुट करूं तो आप आएगा जीरो, एन का वैल्यू जीरो पुट किया तो जीरो, और यहां पे x ऑफ माइनस टू। अब देखो ये तो सिग्नल ही है ना पूरा, ये तो इनपुट सिग्नल का ही काम करेगा, क्योंकि यहां पे u ना तो u लग रहा है या ना डेल्टा लग रहा है, तो ये तो पूरा सिग्नल ही आपका काम करेगा। ओके, माइनस टू प्लस x ऑफ जीरो। अब देखो मेरे भाई, इससे तो ये प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, यहां पे भी देखो, यहां पे जीरो था तो यहां पे भी जीरो है। ओके, मतलब ये जीरो है और यहां पे भी रेस्पॉन्स जीरो है, तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड किया। अब ये माइनस टू है और जीरो है, तो जीरो बड़ा है ना, तो माइनस टू क्या है, पास्ट में है, तो आप ये भी बोल दोगे यहां पे पास्ट में भी डिपेंड कर रहा है। तो आपको पता चल गया यहीं से कि सिस्टम तो आपका डायनेमिक होगा, स्टेटिक नहीं हुआ, यहीं से पता चल गया आपको। ओके, आगे भी चेक कर सकते हो आप, वाई ऑफ वन को पुट करो, वन को पुट करने के बाद एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, यहां पे माइनस थ्री प्लस एक्स ऑफ वन। अब देखो इसमें तो प्रेजेंट से भी किया
और इसमें पास्ट से भी किया। ओके अगर वाई ऑफ माइनस वन की लिखोगे तो आप बोलोगे माइनस वन लिखने के बाद यहां पे कितना, सॉरी यहां पे वन पुट किया ना तो यहां पे कितना जाएगा माइनस वन, तो भी पास्ट पे ही। ओके अगर माइनस वन पुट किया तो आप बोलोगे कि यहां पे हो जाएगा एक्स ऑफ माइनस थ्री प्लस एक्स ऑफ माइनस वन। इससे तो प्रेजेंट था और इससे पास्ट था। ओके तो यहीं से दिख चुका है आपको कि सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। और भी चेक कर सकते हो आप यहां पे पुट कर लो टी इक्व टू एन इक्व टू वन बाई टू पुट कर लो, वाई वन बाई टू इक्व टू एक्स ऑफ वन बाई टू, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास माइनस फोर मतलब माइनस थ्री बाई टू प्लस एक्स ऑफ वन बाई टू। ओके एक्स ऑफ वन बाई टू, देखो ये तो यहां पे तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड था यहां पे, बट यहां पे पास्ट वैल्यू पे डिपेंड था, यहां पे माइनस कम है ना ये ज्यादा है। ओके आगे अगर मैं बात करूं माइनस वन बाई टू पे तो आप आगे भी देख लोगे, तो माइनस वन बाई टू करोगे तो आपके पास कितना जाएगा माइनस फाइव बाई टू, माइनस फाइव बाई टू एक्स ऑफ माइनस फाइव बाई टू प्लस एक्स ऑफ माइनस वन बाई टू। इसके लिए तो क्या था प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो माइनस फाइव बाई टू रिप्रेजेंट करो यहां पे तो कितना आ जाएगा माइनस टू पॉइंट फाइव, फाइव बाई टू मतलब माइनस टू पॉइंट फाइव, माइनस वन बाई वन अपॉन टू क्या हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर दिस इज अ जीरो पॉइंट फाइव माइनस। ओके तो ये क्या है पास्ट वैल्यू है ना, इस पर डिपेंड किया है ना, इस पे ही तो डिपेंड किया ना, क्योंकि मेरे भाई इसको डिपेंडेंसी कैसे बोल रहे हो आप ये बताओ। जब मैं सिग्नल बता रहा था तो यहां पे x ऑफ t ऐसा बताया था और यहां पे t बताया था, मैंने ये बोला था ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इनडिपेंडेंट है। ओके तो आप ये बताओ कि यहां पे ये तो इनपुट वाला पार्ट है ना, इनपुट का टी है तो आउटपुट का जो रेस्पॉन्स है, आउटपुट का जो रेस्पॉन्स का जो टी है, रेस्पॉन्स का जो टी है वो इस पर डिपेंड कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। ओके उसकी पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है या फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करता है। ओके यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट टी की वैल्यू ही आपको देखना है, पूरे सिग्नल की वैल्यू आपको नहीं देखना है, एक्स ऑफ टी की नहीं देखना, ओनली टी की वैल्यू देखना है आपको। ओके तो देखो आप बोलोगे इसे भी क्या बोलोगे डायनेमिक, ठीक है तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपके पास डायनेमिक, डायनेमिक। ओके समझ में आया सारे के सारे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर आपको फ्यूचर एंड पास्ट में से कुछ भी दिख जाए तो वो सिस्टम ही आपका डायनेमिक के अंदर चला जाएगा। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, y ऑफ t इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स ऑफ t डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू एक्स ऑफ t। ओके अब देखो मेरे भाई, जब आप यहां पे t का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो y ऑफ जीरो इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स ऑफ जीरो बाई डी टी स्क्वायर ओके प्लस टू एक्स ऑफ जीरो। ओके अब ये मेरे भाई बताओ कि यहां पे तो ये प्रेजेंट वैल्यू था, प्रेजेंट वैल्यू था, अब लेकिन यहां पे एक ऑपरेटर लगा हुआ है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगा है तो मतलब आपको इतना पता चल गया कि डिफरेंशिएशन से या तो वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कभी भी नहीं रहेगी। ओके तो आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि अगर डिफरेंशिएटर ऑपरेटर लग गया तो बिना सोल्व किए डायरेक्टली क्या बता दोगे दिस इज अ डायनेमिक, तो यहां से कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट भी आ सकती है फ्यूचर भी आ सकती है, तो इसे आप क्या बोल दोगे डायनेमिक। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा डायनेमिक। कंडीशन आपको पांचों सेटिस्फाइड कराना है, अगर आप तीन कंडीशन ही सेटिस्फाइड करा के रह गए ना तो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। ओके बाय चांस सही भी निकल सकता है आपका आंसर, ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट आपका आंसर सही भी हो सकता है, लेकिन आपको कंडीशन फाइव ही सेटिस्फाइड कराना है, टी इक्वल्स टू जैसा वहां का टी का कंडीशन है तो उस हिसाब से आपको टी का वैल्यू पुट करना है। ओके नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन, वाई ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ एन। ओके अब एन का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपके पास वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे को तो सिर्फ इस टी का वैल्यू देखना है, तो ये जीरो थी तो आपके पास यहां पे भी जीरो आया, तो डिपेंड ऑन प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं वन पुट करूं तो यहां पे वन हो जाएगा, अगर यहां पे वन हो जाएगा ये भी प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहां पे माइनस वन बाई माइनस वन पुट करूं तो आप बोलोगे कि यहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, सिर्फ ये टी देखना है, ओनली ये टी देखना है, ये भी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। अगर मैं वन बाई टू पुट करूं तो एन का
वन बाई टू पुट करूँ तो वाई वन बाई टू इक्व टू एक्स स्क्वायर वन बाई टू, तो ये भी सेम ही प्रेजेंट वैल्यू। पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड कराओ, अगर माइनस वन बाई टू पुट करूँ तो आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, ये भी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू। तो आप सिस्टम को बोल सकते हो कि अब ये सिस्टम आपके पास स्टैटिक है, अब ये सिस्टम आपका डायनेमिक नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी पास्ट नहीं आया, कहीं पे फ्यूचर नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया कि स्टैटिक क्या होता है एंड डायनेमिक क्या होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा वो है कोजल एंड नॉन कोजल का। अब हम बात करते हैं कोजल, नॉन कोजल एंड एंटी कोजल की। ओके, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी का कंबाइन होकर क्वेश्चन आता है। एक तो आपके पास जो मैंने बताया कि ये लीनियर सिस्टम है या नहीं है या नॉन लीनियर सिस्टम है, और वहां पे मैंने बात किया कि एक आपके पास टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है, एक आपके पास होता है यहाँ पे कोजल एंड नॉन कोजल, इन दोनों का एक कंबाइन होकर क्वेश्चन आता है। ओके, तो अब कोजल एंड नॉन कोजल समझेंगे। अभी आपने पढ़ा कि स्टैटिक क्या होता है, जो प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है, जो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है उसे आप स्टैटिक बोलते हो। बट कोजल किसे बोलते हो, सेम वैसा ही, सेम कंडीशन वैसा ही, टी का ही वैल्यू आपको चेक करना है। ओके, ये जो कोजल सिस्टम होगा, कोजल जो सिस्टम होगा वो एक तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एक आपकी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, टी की पास्ट वैल्यू पे। ओके, ये फ्यूचर वैल्यू पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यू, लिख सकते हो नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यू। आपको समझ में आ गया कि आपके पास जो कोजल सिस्टम होगा वो ओनली प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा या पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर वो कोजल नहीं हुआ तो कहां पे चला जाएगा, वो नॉन कोजल के अंदर चला जाएगा। ओके, तो कंडीशन इसका याद रहेगा। अब देखो इसका जो कंडीशन होता है वो ये बोलता है कि एच ऑफ टी जो इंपल्स होगा आपके पास, ओके, एच ऑफ टी इक्वल टू जीरो होना चाहिए टी लेस देन जीरो। अगर टी लेस देन जीरो वैल्यू उसकी जीरो है तो आपके पास वो कोजल है, या ऐसे भी बोल सकते हो आप एच ऑफ एन इक्वल टू जीरो एन लेस देन जीरो। ओके, समझ में आया। अब देखो कि अगर मैं यहां पे बात करूं नॉन कोजल एंड एंटी कोजल। नॉन कोजल एंड एंटी कोजल की मैं बात करूं तो मतलब आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू पे जो डिपेंड करेगा वो कोजल सिस्टम होगा। अगर वो उसकी फ्यूचर पे डिपेंडेंसी आ गई तो वो कौन सा चला जाएगा, नॉन कोजल चला जाएगा। मतलब पास्ट और प्रेजेंट को छोड़ के जो भी आ गया वो कहां पर चला जाएगा आपके पास, नॉन कोजल में। मतलब आप बोल सकते हो फ्यूचर डिपेंडेंसी उसके साथ प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो कोजल नहीं हुआ तो किसमें चला जाएगा, नॉन कोजल में। अब ये एंटी कोजल क्या होता है, एंटी कोजल के लिए देख लो समझने के लिए। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास ये सिस्टम है, ओके, इसका ये ग्राफ है, आपके पास ये ग्राफ है, ओके, तो ये बताओ कि जो आपके पास ये एच ऑफ टी जिसका भी ग्राफ है, जिसका भी बना रखा है आपने, ओके, एच ऑफ टी आपके पास जो भी सिग्नल था, अब ये बताओ कि ये इक्व टू जीरो वैल्यू है ना टी लेस देन जीरो पे, टी लेस देन जीरो पे इसका वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यही तो कंडीशन है कोजल का, यही तो कंडीशन है कि टी लेस देन जीरो पे इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इससे पहले इसका वैल्यू जीरो है तो मतलब ये हो जाएगा कोजल। ओके, अब देखो कि अगर मैं नेक्स्ट में यहां पे बात करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ओके, ये बताओ कि ये कोजल है या नॉन कोजल है। तो आप बोल दोगे कि जो ये सिस्टम है आपका, इसका तो डेफिनेशन यही है कि एच ऑफ टी का वैल्यू जीरो होना चाहिए टी लेस देन जीरो पे। बट यहां पे देखो कि इससे पहले ये जीरो है, इससे पहले पूरा का पूरा ये जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन कोजल। कौन सा हो जाएगा, नॉन कोजल। ओके, नॉन कोजल। अगर नेक्स्ट में मैं बात करूं यहां पर कि अगर आपके पास ये सिस्टम है, ये आपके पास सिस्टम है, ओके, तो आपको कंडीशन यही बोला है कि टी लेस देन जीरो पे इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। ओके, यहां पे भी टी लेस देन जीरो पे इसका वैल्यू तो जीरो था, लेकिन इससे पहले भी ये सिग्नल यहां से स्टार्ट हो रहा था। ओके, इससे पहले तो इसका वैल्यू होना चाहिए ना, लेकिन इससे पहले इसके आगे इसका कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए इसको नॉन कोजल हमने बोला है। यहां तक इसका कोई वैल्यू नहीं था, यहां तक इसका वैल्यू जीरो था, इसलिए इसको हमने नॉन कोजल बोला है। अब देखो कि यहां पर मैंने कंडीशन बोला है कि टी लेस देन जीरो पे इसका वैल्यू कितना होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था, लेकिन टी लेस देन जीरो पे इसका वैल्यू प्रेजेंट है, तो आप इसे बोलोगे क्या, नॉन कोजल।
नॉन कॉजल। ओके, अब देखो कि अगर मैं ये सिग्नल ऐसे बना देता हूं, अगर ये सिग्नल ऐसे बना देता हूं, ओके, अब ये बताओ कि टी लेस देन जीरो पे जीरो है क्या? नहीं है टी लेस देन जीरो पे, क्योंकि टी का इधर तो पॉजिटिव ग्रेटर देन वैल्यू है ना, इधर ही तो है आपके पास टी लेस देन जीरो, इधर तो आपके पास क्या है टी ग्रेटर देन जीरो। तो इधर देखो आपके पास सिग्नल आपको कैसा दिख रहा है, आपको इस साइड में दिख रहा है, मतलब इधर आपके पास वैल्यू प्रेजेंट है। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो इसको आप बोलते हो एंटी कोजल, एंटी कोजल। ओके, मतलब टी लेस देन जीरो पे इसका वैल्यू प्रेजेंट है, ओके, टी लेस देन जीरो पे इसका वैल्यू प्रेजेंट है और ग्राफ आपका रिवर्स में है तो उसे आप बोलते हो एंटी कोजल। अब आप बोलोगे कि क्या सर इसको हम नॉन कोजल नहीं बोल सकते क्या? बिल्कुल बोल सकते हो, इसको आप नॉन कोजल भी बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास टी लेस देन जीरो पे इसका वैल्यू प्रेजेंट है। ओके, तो मतलब जितने भी आपके पास एंटी कोजल सिग्नल होते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, दो बार बोलूंगा, जितने भी आपके पास एंटी कोजल सिग्नल होते हैं वो नॉन कोजल हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? जितने भी आपके पास एंटी कोजल सिग्नल होते हैं वो आपके नॉन कोजल सिग्नल हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी नॉन कोजल सिग्नल आपके एंटी कोजल नहीं हो सकते, सभी के सभी नॉन कोजल सिग्नल आपके एंटी कोजल सिग्नल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यही मैंने बोला कि एंटी कोजल सिग्नल के लिए आपके पास टी लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए और टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए। इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास, अगर मैं इस सिग्नल की मैं बात करूं तो ये सिग्नल कौन सा है, एंटी कोजल है या नॉन कोजल? आप बोलोगे कि एंटी कोजल का डेफिनेशन बोलता है कि एच ऑफ टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। एच ऑफ टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो पे, टी ग्रेटर देन जीरो पे। अब देखो कि टी ग्रेटर देन जीरो पे इसका वैल्यू जीरो है क्या? नहीं है। क्या ये कोजल है क्या? नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि इससे पहले इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, लेकिन इससे पहले इसका वैल्यू प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन कोजल, नॉन कोजल। तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आया, तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आया कि आपके पास जो कोजल होता है वो प्रेजेंट एंड पास्ट पे डिपेंड करता है। इसका जो डेफिनेशन है, एच ऑफ टी का वैल्यू आपके पास जीरो होना चाहिए टी लेस देन जीरो पे, और एंटी कोजल का बोलता है कि टी ग्रेटर देन जीरो पे इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। नॉन कोजल, अगर कोजल भी नहीं हुआ, एंटी कोजल भी नहीं हुआ, तो आपके पास नॉन कोजल है। लेकिन याद रखना, सभी के सभी एंटी कोजल क्या होने से हो सकते हैं, आपके नॉन कोजल हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी नॉन कोजल आपके एंटी कोजल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने बोला कि एंटी कोजल का डेफिनेशन होता है टी ग्रेटर देन जीरो पे जीरो, बट यहां पर इसलिए इसको एंटी कोजल बोला। लेकिन ये देखो कि आपके पास नॉन कोजल सिग्नल है, ये भी इसी साइड में है, लेकिन टी ग्रेटर देन जीरो पे इसका वैल्यू प्रेजेंट है, इसलिए इसको आपने क्या बोला, नॉन कोजल। इसको आप क्या नहीं बोलोगे, एंटी कोजल। ओके, एंटी कोजल नहीं है, ये आपके पास नॉन कोजल है। समझ में आया? तो अब देखो कि नॉन कोजल के बारे में पता चल गया कि जो फ्यूचर पे डिपेंडेंसी रखेगा तो उसे ही आप क्या बोलोगे, नॉन कोजल बोलोगे, और जो प्रेजेंट पे और पास्ट पे डिपेंडेंसी रखेगा उसे आप क्या बोलोगे, कोजल बोलोगे। अब देखो, डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ये एग्जांपल सोल्व करते हैं। अब देखो, आपके पास इस एग्जांपल से, अगर आपको इक्वेशन की फॉर्म में आपको एग्जांपल गिवन है तो इनको कैसे देखना है, ग्राफ के थ्रू तो मैंने समझा ही दिया आपको। ओके, अब इनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर वन है ये दे रखा है y of t equals to y of t equals to x of minus t square। ओके, अब मेरे भाई ये बताओ कि आप t का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपके पास y of जीरो का वैल्यू आएगा, वो आएगा x of जीरो। ओके, अगर मैं यहां पे t स्क्वायर की टर्म है तो मैं t इक्वल टू 2 रख के देख लेता हूं और t इक्वल टू माइनस 2 रख के देख लेता हूं। ओके, जैसा यहां पे टर्म है उसी हिसाब से आप वैल्यू पुट किया करो, ऐसा नहीं कि आप 1 ही पुट करो, माइनस 1 ही पुट करो। ओके, यहां पे जिस हिसाब से वैल्यू है उस हिसाब से आप टर्म का वैल्यू पुट किया करो। ओके, अगर मैं यहां पे 2 पुट कर देता हूं, ओके, तो यहां पे 2 पुट किया तो टी का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो यहां पे कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 4। आप ये बताओ कि माइनस 4 ज्यादा है या 2 ज्यादा है? आप बोलोगे सर 2 ज्यादा है, ये आपके पास पीछे का वैल्यू है, तो आप बोलोगे कि सर दिस इज डिपेंड ऑन पास्ट वैल्यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोजल के लिए जो बोलता है, एक तो प्रेजेंट बोलता है, एक पास्ट बोलता है, दोनों वैल्यू होगा तो वो कोजल ही होगा, अन्यथा वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, नॉन कोजल हो जाएगा। ओके, अब देखो कि अगर y of माइनस टू का वैल्यू मैं पुट करूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स ऑफ माइनस 4। ओके, अब ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ कि माइनस 4 यहां पे है, माइनस 2 यहां पे, तो ये क्या है आपके पास, पास्ट वैल्यू, पास्ट पे डिपेंडेंसी है ना, पास्ट पे डिपेंड। अब देखो,
पास्ट पे डिपेंडेंसी है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर पास्ट पे डिपेंडेंसी है। ओके अगर नेक्स्ट में मैंने बोला था कंडीशन आपको पांचों की पांचों वही कंडीशन जो स्टैटिक एंड डायनेमिक में लगाई थी वो पांचों की पांचों कंडीशन आपको यहां पे अप्लाई करके देखना है। ओके अगर मैं 1/2 पुट करूं, टी की जगह पे 1/2 पुट करूं, तो आप बोलोगे कि सर वाई ऑफ 1/2 इक्वल्स टू एक्सओ माइनस 1/4। ओके अब देखो यहां पे देखो कि ये तो कितना है आपके पास 1/4 मतलब 0.25 मतलब माइनस 0.25। अब देखो ये कितना है 1/, यहां पे क्या पॉजिटिव 1/2 था ना, यहां पे पॉजिटिव 1/2 पुट किया था। ओके तो लेकिन यहां पे नेगेटिव लगा हुआ था। अब मेरे भाई ये बताओ कि 1/2 आपने यहां पे पुट किया था, 1/2 यहां पे t इक्वल्स टू क्या पुट किया था, 1/2 पुट किया था, तो ये तो कितना आएगा माइनस 1/4। अब ये देखो मेरे भाई 1/2 यहां पे आया तो 1/2 यहां पे होगा। ओके 1/2 यहां पे है। अब मेरे भाई ये बताओ कि ये आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, ये कौन सी वैल्यू होगी, आप बोलोगे सर पास्ट वैल्यू, तो पास्ट पे डिपेंडेंसी है, पास्ट पे डिपेंडेंसी है, अभी तक तो ये कोजल है, लेकिन अगर मैं टी इक्वल टू माइनस 1/2 पुट करूं तो आप बोलोगे सर माइनस 1/2। ओके तो यहां पे कितना आ जाएगा एक्सओ माइनस 1/4। अब मेरे भाई ये देखो कि यहां पे आप पुट करोगे तो ये तो हो गया आपके पास, इसका वैल्यू कितना होगा 1/4 मतलब माइनस 0.25 माइनस 1/2 तो आपके पास क्या हो जाएगा ये बोल -0.50। ओके अब मेरे भाई ये बताओ ये तो है 0.25 ये है -1/25 तो आप में इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, आप बोलोगे कि इन दोनों में से बड़ा ये है, तो मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है ना, ये फ्यूचर वैल्यू है, टाइम की वैल्यू चेक करना है आपको, अगर फ्यूचर वैल्यू है तो मतलब ये जो है ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पे भी आपको फ्यूचर दिख गया तो सिस्टम कौन सा हो जाएगा आपका नॉन कोजल। ओके नॉन कोजल आपको इसीलिए मैंने बोला कि आपको सारी की सारी कंडीशन आपको अप्लाई करना है। ओके आपको आप अगर आप ये कंडीशन लगा के ही देख लेते तो आप कोजल बता देते, लेकिन आपको मैंने बोला कि 5 कंडीशन लगाओ, ये भी लगाओ उसके बाद ही आप नॉन कोजल इन कोजल डिसाइड करो, अगर आपने 3 कंडीशन लगाए तो आपका बाय चांस आंसर सही भी हो सकता है। ओके लेकिन बाकी के अगर कंडीशन नहीं लगाए तो आपका आंसर 100% रॉन्ग होने की गारंटी भी है कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ओके तो इसलिए ध्यान रखो कि चार पांचों कंडीशन आपको लगाना है तो सिस्टम आपका ये हो गया नॉन कोजल। ओके नॉन कोजल। ओके समझ में आया कोजल एंड नॉन कोजल का कंसेप्ट। ठीक है नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है आपके पास देखो y of t इक्वल टू x स्क्वायर t प्लस x ऑफ t माइनस 4। ओके एक्स स्क्वायर है, टी का स्क्वायर नहीं है, ओनली एक्स स्क्वायर है। अगर मैं टी का वैल्यू पुट करूं जीरो, अगर जीरो पुट करूं तो वाई ऑफ जीरो कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर जीरो प्लस एक्स ओ माइनस ऑफ 4। अब मेरे भाई ये बताओ ये तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ओके और ये आपके पास पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, माइनस 4 से जीरो ज्यादा है ना पास्ट वैल्यू, मतलब अभी तक तो एक कोजल है। अगर मैं y of माइनस 1 पुट करूं तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 5। ओके तो आप ये बताओ कि माइनस 5 ज्यादा है या माइनस 1 ज्यादा है, आप बोलोगे सर माइनस 1 ज्यादा है। ओके तो आप बोलोगे सर ये तो प्रेजेंट वैल्यू और ये आपके पास पास्ट वैल्यू। ओके अभी तक तो ये कोजल है, अगर नेक्स्ट वाली कंडीशन और लगा दूं मैं यहां पे तो आप बोल दो कि y ऑफ 1 लगा के देखो तो आपके पास एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस आपके पास कितना आ जाएगा प्लस एक्स ऑफ माइनस 3। अभी भी देखो यहां पे तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंडेंसी थी, ये भी प्रेजेंट वैल्यू, ये भी प्रेजेंट वैल्यू, माइनस 3 ये आपसे ज्यादा ही है ना, ये तो पास्ट वैल्यू है ना, तो आप बोलोगे दिस इज डिपेंड ऑन पास्ट, तो मतलब प्रेजेंट और पास्ट तो कोजल होता है। अभी तक तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, अब आपको लास्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड कराना है, लास्ट की दो कंडीशन और सेटिस्फाइड कराना है। देखो अगर दो कंडीशन में सेटिस्फाइड करा दूं टी इक्वल टू, अगर 1/2 भी मैं सेटिस्फाइड करा देता हूं यहां पे तो टी इक्वल टू 1/2 पुट कराने के बाद वाई ऑफ 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर
वन बाई टू, ओके, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा एक्स ऑफ वन बाई टू, यहां पे पुट किया तो माइनस सेवन बाई टू, माइनस सेवन बाई टू, ओके, माइनस सेवन बाई टू, ओके। तो अब देखो ये तो प्रेजेंट थी, ये तो प्रेजेंट वैल्यू थी, और यहां पे देखो ये पास्ट वैल्यू थी, तो पास्ट में भी अभी तक प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट ही आपका चल रहा है, ओके। अब देखो कि आपके पास वाई ऑफ माइनस वन बाई टू, अगर माइनस वन बाई टू पुट करूं तो आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, ओके, प्लस प्लस एक्स ऑफ माइनस वन बाई टू, तो मतलब आपके पास हो जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस नाइन बाई टू, माइनस नाइन बाई टू। अब मेरे भाई ये देखो, ये तो प्रेजेंट वैल्यू थी, अब ये बताओ कि ये माइनस नाइन बाई टू को यहां पे पुट करो तो माइनस फोर पॉइंट फाइव आएगा, माइनस वन पॉइंट फाइव को करोगे तो जीरो पॉइंट फाइव आएगा, माइनस जीरो पॉइंट फाइव, ओके। तो मतलब ये फ्यूचर वैल्यू होगी, ये पास्ट वैल्यू, मतलब ये तो पास्ट ही होगा ना, इसी वैल्यू को देखना है आपको, इसी वैल्यू को आपको देखना है, पास्ट फ्यूचर, तो इसको देखा तो सर ये तो पास्ट पे ही डिपेंडेंट थी, ओके, मतलब प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट हर जगह पे चला, तो आप बोल सकते हो कि ये आपके पास कोजल है, ये नॉन कोजल नहीं है, ओके। तो ये कौन सा हो जाएगा, कोजल, ओके। तो लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देखो, इसको आप ट्राई करना, इसको मैं होमवर्क दे देता हूं, ओके, और इसमें भी एन का वैल्यू पुट करके आपको सोल्व करना है और कमेंट में आपको आंसर देना है, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर में बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर फोर में बता देता हूं, समझ में आ गया ना आपको सारी चीजें कि कोजल एंड नॉन कोजल कैसे डिसाइड करना है आपको। ओके, अब देखो मैं इंटीग्रेशन वाला बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर फोर, ओके, y ऑफ t इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू थ्री ऑफ t x ऑफ टाउ d ऑफ टाउ, ओके। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं कि अब मैंने बोला ना बाई डिफॉल्ट किसी को भी कुछ नहीं मानना है आपको, ओके, अब बाई डिफॉल्ट को हटाई दो, ओके, डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेशन करोगे सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके पास कुछ ना कुछ तो कोएफिशिएंट आएगा, a x ऑफ टाउ लिमिट रख दो 3t माइनस इंफिनिटी, तो y ऑफ t इक्वल टू कितना आ जाएगा, a a x ऑफ 3 tau लिमिट पुट किया माइनस a x ऑफ माइनस इंफिनिटी, ओके। तो ये आपके पास लिमिट आ चुका है, लिमिट को आपने पुट कर दिया, ओके, ये अब आपके पास इक्वेशन आ चुका है, इसी में आपको कोजल एंड नॉन कोजल चेक करना है। अब देखो अगर t का वैल्यू मैं जीरो पुट करता हूं, ओके, सॉरी यहां पे t आ जाएगा ना, ओके, क्योंकि लिमिट में पुट हो गया ना, क्योंकि tau की जगह तो 3t आ गया, ओके, 3t, अगर मैं t का वैल्यू जीरो पुट करता हूं, मेरे भाई जीरो पुट करता हूं, तो y ऑफ जीरो इक्वल टू a x ऑफ जीरो, ओके, माइनस a x ऑफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी। मेरे भाई ये बताओ, दिस इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज डिपेंड ऑन प्रेजेंट वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, मतलब पास्ट वैल्यू, ओके, तो मतलब पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट चलता रहेगा यहां पे, t को शू वन पुट करोगे तो y ऑफ वन इक्वल्स टू a x ऑफ वन, ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a x ऑफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी, तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट और ये पास्ट, ओके। अब देखो और भी कंडीशन आपको सेटिस्फाइड कराना है, पूरी की पूरी कंडीशन आपको सेटिस्फाइड कराना है, अगर t इक्वल्स टू माइनस वन कर दू तो, t इक्वल्स टू माइनस वन कर दू तो आप बोलोगे कि सर y ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू a x ऑफ माइनस थ्री माइनस a x ऑफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ओके। तो आप ये बताओ कि ये भी आपके पास पास्ट वैल्यू है, ये भी पास्ट वैल्यू है, और ये भी आपके पास पास्ट वैल्यू, ओके। तो मतलब आप बोल सकते हो कि यहां पे भी आपका सिस्टम अभी तक तो आपको कोजली दिख रहा है, लेकिन दो कंडीशन और सेटिस्फाइड कराना है आपको, t इक्वल्स टू वन बाई टू एंड t इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। अगर मैं t इक्वल्स टू वन बाई टू पुट कराता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, y ऑफ वन बाई टू इक्वल्स टू a x ऑफ थ्री बाई टू, ओके, माइनस a x ऑफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी। अब ये बताओ मेरे भाई, 3 बाई टू, अगर 1 बाई टू आपने पुट किया तो यहां पे कितना आ गया, 3 बाई टू, अब 3 बाई टू का मतलब क्या होता है, 1.5, ओके, अगर 1.5 होता है तो मेरे भाई ये तो क्या हो गई, फ्यूचर वैल्यू हो गई ना, ये तो 1/2 0.5 है, तो मतलब डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यू। देखो यहां पे ही आपका फेल कर चुका है, अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कराते, ओनली इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करा के रह जाते तो आप कोजल बोल देते, लेकिन यहां पे फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड हो चुका है, ओके, ऐसे ही अब आप आगे चेक करो या ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके, लेकिन यहां पे आपको फ्यूचर वैल्यू आपको
दिख गई है, अगर दिख गई है तो सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। ओके, नॉन कॉजल, नॉन कॉजल, नॉन कॉजल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन कॉजल। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी के ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये कॉजल है नॉन कॉजल है, ये सारी चीजें आपको बताना है। ओके, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और इनका आंसर आप कमेंट में दे देना। ओके, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।